नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफर के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप भी ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो ये खास वीडियो आपके लिए ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि द ग्रेट हिमालयन रेंज दुनिया के सबसे रोमांचकारी ट्रैकिंग मार्गों का घर है। लद्दाख का जास्कर नदी ट्रैक से लेकर गोचला ट्रेल पर माउंटेन कंचनजंगा की सुंदरता को निहारने तक भारत में कई ऐसे कठिन और खतरनाक ट्रैक हैं जो एडवेंचर लवर के लिए बेहद ही खूबसूरत हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद ही खतरनाक और मुश्किल बताए जाते हैं। चादर ट्रैक लद्दाख। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे कि भारत का सबसे अधिक चैलेंजिंग ट्रैक कौन सा है, तो आपको सर्चिंग लिस्ट में सबसे पहले लद्दाख का नाम ही दिखेगा। चादर ट्रैक या फ्रोजन रिवर एक्सपेडिशन भारत में सबसे अनोखे और चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक है। लद्दाख में जमी हुई जांस्कर नदी के पार 6 दिन का चादर ट्रैक जनवरी की शुरुआत से फरवरी के अंत तक या कभी भी मार्च के पहले सप्ताह में भी यहां ट्रैकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहां की ट्रैकिंग मौसम पर निर्भर करती है। बेस कैंप के लिए आपको चादर ट्रैक का शुरुआती बिंदु चिलिंग है। जांस्कर पहुंचने के लिए आप लेह श्रीनगर हाईवे की मदद ले सकते हैं। जांस्कर से थोड़ा ही आगे चिलिंग है। स्टॉक कांगड़ी ट्रैक लद्दाख। हैमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित स्टॉक कांगड़ी समुद्र तल से 20,190 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे हिमालय की स्टॉक रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत भी बनाता है। यहां से आप जांस्कर और सिंधु घाटी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। 8 दिनों तक चलने वाले इस ट्रैक को जो चीज़ मुश्किल बनाती है वह ऊंचाई नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी है, जो मतली थकान और सिरदर्द का कारण बन जाती है। हालांकि ट्रैक की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक के बीच का है। पीन पार्वती दर्रा कसौली। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में सबसे साहसिक और सुरम्य ट्रैकिंग स्थलों के रूप में जानी जाती है। पीन पार्वती दर्रा चुनौतीपूर्ण रोमांच चाहने वाले ट्रैकर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आती है। 110 किलोमीटर लंबी पगडंडी आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा, मतलाई और पीन पार्वती दर्रे के घने जंगलों में ले जाती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान ट्रैक का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। लेकिन फिर यह एक ऐसा अनुभव भी है जिसे ट्रैकर्स मिस नहीं करना चाहेंगे। 11 दिन का यह ट्रैक बेशंडी से शुरू होता है और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर तक के बीच का होता है। गोइचा ला ट्रैक सिक्किम। सिक्किम के युकसोम से शुरू होने वाले इस ट्रैक में आप हिमालय के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। गोचला ट्रैक अपनी चुनौतीपूर्ण इलाके और रीच के लिए बड़ी संख्या में ट्रैकर्स के लिए बड़ी पसंदीदा जगह है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त से लेकर शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों, सुंदर नदियों का अंतहीन दृश्य बेहद ही खूबसूरत लगता है। ओंगलथांग घाटी के तल पर स्थित समुद्र सुंदर समित झील के ट्रैक का एक और प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ये 11 दिन लंबा ट्रैक अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर के महीनों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे भी इसी प्रकार की ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब करें।